नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आए, क्या कारण है नोटिफिकेशन आने का। तो दोस्तों, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार इसमें कुछ राजनीति कर रही है और राजनीति के कारण ही बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मुझे कई कमेंट आए कि सर, आपने कहा था कि नोटिफिकेशन 3 दिन के अंदर आ जाएंगे लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि हमको जो सूचना यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदान की गई थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो है नोटिफिकेशन 3 दिन के अंदर आ जाएंगे, हमने आप लोगों तक सिर्फ वही पहुँचाई, लेकिन अब इसमें सरकार देर कर रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, सरकार की गलतियों का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, नोटिफिकेशन देर में आ रहे हैं, यानी भर्ती प्रक्रिया में भी देर हो सकती है। तो आप चिंता मत करिए, नोटिफिकेशन तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा देर में आएंगे, थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। सरकार की गलतियों की सज़ा आप हमें देने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि हम तो हमेशा आपके साथ हैं, हम वही चाहते हैं जो आप लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो और जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आप लोगों का निश्चित है। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद।